Hey, what's up guys, this is Typhoon here, welcome back to my YouTube channel। तो guys, वो कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो वो चारों तरफ से आती है। तो guys, आज तुम लोग सुनने वाले हो मेरी बर्बादी की कहानी, वी मेरी जुबानी। तो आज से दो दिन पहले की बात तुम लोग मैं बताता हूँ, तो सुनो मेरी जुबानी, मेरी जिंदगी की एक उदास भरी कहानी। तो हर रोज की तरह मैं सुबह सुबह 12 बजे उठा। एक्चुअली गाइस, मुझे सुबह सुबह उठने की आदत है। उसके बाद मेरे घर के सामने गंगा नदी बहती है, मैंने उसमें डुबकी लगा लिया और थोड़ी देर उसके अंदर रहा और उधर ही सब कुछ कर लिया सुबह के जो काम होता है। एंड उसके बाद मैं मेरी ड्रेस पहना, ऊपर गया, खाना खाया एंड उसके बाद चॉप से बात कर ही रहा था कि तब भी मेरे घर का घंटी बजा। हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी तरह की। और जैसे ही मैंने डोर खोला, मैंने देखा ये तो टट्टी है। इतने सारे पुलिस और मेरे घर पे, मैंने क्या कर दिया? आप मिस्टर टाइफून हो ना? हाँ जी हाँ, मैं भी टाइफून हूँ, लेकिन पुलिस लेके मेरे घर पे आने की क्या जरूरत है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर जी, बताओगे? सर आपने कैसे कुछ नहीं किया? बैंक से जो लोन लिया था उससे 5 साल पहले, जिससे अपने कार घर सब कुछ लिया, उसका लोन कौन चुकाएगा? हाँ कौन देगा, मैं या मेरा बाप? बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं, काट दूंगा, चीर दूंगा, करे करके कुत्ते को खिला दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल उदय। नहीं सर जी, मेरा आपका बाप क्यों देगा मेरा लोन? है मैं ही दूंगा, मेरा बाप मेरा मतलब मैं ही दूंगा। और फिर 5 साल के लोन को 6 साल हो गए अभी तक तुमने नहीं चुकाया, ये तो सही बात नहीं है बेटा। सर जी वो मैं भूल गया था, थोड़ा सा काम में बिजी था ना। लौटा दूंगा, टेंशन मत करो, और बस 2 साल दे दो मेरे को, मैं लौटा दूंगा। वैसे मेरे को एक बात बताओ, तुम दोनों टिकटॉक करते हो क्या? दोनों की शक्ल एकदम एक जैसा है। हाँ पहचान गए क्या? शक्ल ही ऐसा, हर कोई पहचान जाता है। लेकिन इंडिया में तो टिकटॉक बैंड है ना, इसलिए टिकटॉक नहीं करता और कुछ करता हूँ। पर ओ अच्छा सर जी, वो ऐसी बात है, वो मतलब क्या वो MS टकटक वगैरह वो सब करते हो क्या? अरे नहीं बेटा, वो बच्चा करता है, हम तो रेल वाले, हम तो इंस्टा पर रेल बनाते हैं, समझ गए? हाँ मजा आता है, समझ रहे तुम? हाँ हाँ वैसे समझ गया। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो आप मेरे को कुछ दे, एक साल का दे दो टाइम यार। हाँ समझ रहे ना? ओ अच्छा बेटा, तो तुम यूट्यूबर हो तब तो यार एक मिनट का भी टाइम नहीं दूंगा यार, क्योंकि तुम्हें लोग जो भविष्य हमारे ऊपर रोस्ट वोस्ट करते रहते हो, अच्छा नहीं लगता, हम दिल खोल के कुछ कर भी नहीं सकते यार। अब तो टाइम नहीं मिलेगा बेटा, चलो जल्दी निकालो पैसा यार, जितना भी लिया था जल्दी दे दो, वरना अभी घर बार सब कुछ सील कर दूंगा, जल्दी दे दो पैसा। अरे नहीं नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर व्यूटर नहीं हूँ। कौन है यूट्यूबर, कौन करता है भाई? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था कि कैजुअली, कि आप लोग भी हो तो मैं भी बोल रहा था कि मैं भी बोल दूं, थोड़ा सा आप हो जाओ कैसे सर जी? मैं कुछ भी नहीं हूँ, अंदर चलो ना, अंदर जाके बात करते, कुछ चाय वगैरह पीते। अबे तुम कहने को चाहते हो, अभी तो चाय भी नहीं आए? नहीं नहीं ये तो पहले नहीं आए, जल्दी मेरा पैसा दे दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रहे हो तुम? पीछे तो पुलिस देख रहे हो ना, तुम्हारे लिए लेके आओ, जल्दी पैसे दे दो मेरा। अरे सर जी काहे गुस्सा करते हो, दे दूंगा ना, बस 2 दिन का तो टाइम मांग रहा हूँ ना, अभी 6 साल इंतजार कर लिया, 2 दिन इंतजार कर लो ना। गाइस तुम लोग इनको समझाओ यार, 2 दिन टाइम देगा तो क्या हो जाएगा इन लोगों का? हाँ अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी बार बोल रहे हो तो मैं तुमको थोड़ी देर के लिए टाइम दे सकता हूँ, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मैं तुमको नहीं दे सकता। बस 2 दिन बोला तो सिर्फ 2 दिन ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये बात ध्यान से याद रखना, 2 दिन से एक पल भी ज्यादा मैं तुमको नहीं दे सकता, ये बात याद रखना है, ठीक है ना? अरे सर का टेंशन लेते हो, 2 दिन से एक मिनट टाइम नहीं दे लूंगा, मेरे पास तो पैसे है, बस बैंक में जाऊंगा और उठाऊंगा, आपको दे दूंगा, का टेंशन लेते हो, मैं अमीर आदमी हूँ यार, का टेंशन लेते हो, ठीक है सर? 2 दिन का टाइम सर, 2 दिन, ठीक है ना? हाँ चलो बाला टेली। हाँ हमसे लग कर आए थे, पैसे लेने आए थे। हाँ हमारे पास कितना पैसा इनको पता है? एक भी पैसा नहीं है, अभी मैं इनको कैसे पैसे दूंगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, क्या करूँ मैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो अभी तुम लोगों को पता चल गया ना कि मेरे साथ क्या हुआ था, तुम लोगों को बता नहीं सकता मैं कितनी ज्यादा दुखी हूँ, मैं तुमको बता नहीं सकता। तो आखिरकार मैंने मेरे दोस्तों को कॉल लगाया, उन लोगों ने बोला कि भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन उन लोग कुछ नहीं कर पाए, लिटरली कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने माइकल को कॉल किया था, माइकल ने बोला भाई देख मेरे पास ही काम नहीं है, मैं तेरे को क्या काम दूंगा। तब मैंने सोचा लुटरेबर नहीं भाई, वो खुद ही भिखारी है, वो मेरे को क्या काम ढूंढ के देगा जिसमें मेरे को 50 लाख मिल सकता है। उसके बाद मैंने कॉल किया लेस्टर को, एंड लेस्टर ने मेरे को बताया कि हाँ भाई काम तो, लेकिन तू भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। तो मैंने भी उसको शाहरुख खान के स्टाइल में बोल दिया, हम जान कह देते कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ लेस्टर के पास, क्योंकि लेस्टर ने मेरे को उसके ऑफिस पे बुलाया है और मेरे को बोल रहा था एक काम है जो तेरे को करना पड़ेगा, और वो काम अगर तू करेगा तो फिर तेरे को 50 लाख मैं
दूंगा और उसके बाद तू काम करते करते मेरे को लौटा देना। तो मैंने बोला भाई जब खुद लक्ष्मी माता हमारे पास आके बोल रहा है ले लो बेटा ले लो, तो मना क्यों करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं लिस्टर के पास, उसके बाद लिस्टर हमको काम बोलेगा, हम जाएंगे काम करेंगे और पैसे मिल जाएगा और हमारा घर बार कार सब कुछ बचा लेंगे। तो ठीक है चलो फटाफट लिस्टर के पास चलते हैं। हाँ तो आखिरकार हम लिस्टर के ऑफिस में पहुंच गए, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता, एक नाटा सा खाटा सा आदमी वो कैसे इतना बड़ा बड़ा ऑफिस ले लेता है, कैसे उसके पास इतना पैसा आ जाता है, इतना कुछ ले लेता है। गाइस तुम लोग इसका ऑफिस को देखो, कितने अमीर वाले जगह पे इसका ऑफिस है। गाइस मुझे समझ में नहीं आता यार, मेरे पास नहीं आता, मैं इतना काम करता हूँ चोरी करता हूँ मेरे पास नहीं आता, और ये पैर में डिफेक्ट वाला आदमी जो कोई काम नहीं करता बस हमको प्लान समझाता है, और इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। हाँ कैसे आ जाता है इसके पास इतना सारा पैसा। हाँ अब इतना सोच के क्या फायदा, चलो देखते हैं लिस्टर क्या कर रहे हैं अंदर। हाँ हम आ गए तेरी तो टाइगर रोड, नहीं 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 ये तो वैसे कारपेट है यार, कैसे कैसी चीजें रखता है ये मुझे समझ में नहीं आता, और कैसी डोर बनाया है, उधर से आओ और इधर टेलीपोर्ट हो। हाँ तो ये रहे हमारे लिस्टर भाई। हाँ लिस्टर भाई कैसे हो, सब बढ़िया। अरे आओ फ्रैंकलिन, ओ फ्रैंकलिन आओ, कैसे आना हुआ, वैसे काम के बिना तो तुम्हें हमारी याद आती नहीं है, वो तो क्या काम पे आए हो। अरे लिस्टर भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही बस काम नहीं था। हाँ ये काम तो था, मैंने आपको समझाया था ना मेरे को एक काम की जरूरत है जिससे मेरे को 50 लाख आपने बोला था दे दोगे, इसीलिए तो आया था ना मैं, आपने ही तो बोला था ना। हाँ मैंने ही तो बोला था, अरे मैं तो भूल ही गया, चलो कोई नहीं। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था काम में तुम भेदभाव नहीं कर सकते हो, तुमको एक सफाई वाले का काम मिला है, तुमको बहुत ही कीमती चीज को सफाई करना है, लाइक घर कार। हाँ सफाई वाले का काम, हाँ मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, क्या बोलते हो। हाँ कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं, बस लोकेशन बता दो कहाँ पर जाना है, मैं अभी जाता हूँ काम शुरू कर देता हूँ आज से ही। हाँ चलो गाइस लिस्टर से बात हो गई और मेरे को दुनिया का सबसे खतरनाक काम मिला है, साफ सफाई का। मतलब कि यार कोई तो चाहिए ना दुनिया को साफ करने के लिए, हर कोई गंदा करता रहता है तो कोई ना कोई तो चाहिए ना साफ करने के लिए, तो हम ही है सफाई वाला, दुनिया का नंबर वन सफाई वाला जो KTM पे सफाई करने के लिए जाता है। यू नो गाइस आई एम ए प्रो मैन इन द वर्ल्ड, जाएंगे अभी सफाई करने के लिए। कोई नहीं यार बस वो मेरे को लोकेशन भेजने ही वाला है मेरे फोन पे, और चाहते हैं चलो साफ सफाई शुरू करते हैं, जिसमें पैसे मिलता है वो हम करेंगे। चलो चलते हैं साफ सफाई करने के लिए, मजा आ जाएगा, चलो साफ सफाई का काम यार। हाँ तो ये रहा मेरी ऑफिस, मेरा मतलब है मेरी गैरेज। गाइस आज से मैं यही पर काम करूंगा, तो तुम लोग अगर कार धुलाई वुलाई करना तो मेरे पास लेके आ रहा है, उससे मेरे को थोड़ा सा मदद हो जाएगी, देख लो ठीक से। ये मेरा मेरा मतलब ऑफिस क्यों बोल देता हूँ बार बार, ये मेरा गैरेज है, किसी को अगर कार साफ सफाई करना है तो मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा LTD, ठीक है ना याद रखना। चलो देखते कोई कार आता है तो उसका साफ सफाई शुरू करते हैं हम लोग। 6.5 hours later हाँ तो गाइस बहुत देर तक इंतजार करने के बाद हमारे पास एक कार आ चुका है जिसका हम वॉश करेंगे, तो हमको मिलेगा $200। यस $200 मतलब कि इंडियन रुपीज में 14,000 रुपए। एक घंटे का मैं 14,000 लेता हूँ, तो तुम्हारा कार अगर मेरे पास देना चाहो तो लेके आ सकते हो, मैं तुम लोगों को पहले मेरा गैरेज का टूर दे देता हूँ। ये देखो इतने सारे सामान है और मैंने बंद करके इसे रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा ये खास ये खतरनाक काम कोई और देखे। ये देखो पानी निकल रहा है, देख रहे हो ना तुम लोग, ऐसे ऐसे दूंगा तुम लोग। ओ भाई साहब ये तो KTM है लिटरली, मजा आ जाएगा, इसको ऐसे चमकाऊंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ज्यादा टाइम लेगा 50 लाख करने में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखो इतने सारे हमारे पास हुक है जिससे हम पानी निकल सकते हैं, इससे सबसे तेज कार निकलता है। पहले नंबर देख लेता हूँ कार का। ओ भाई साहब ये चमक क्यों रहा है, अच्छा तो अभी जितना साफ करेंगे उतना अगर अच्छे से साफ हो जाएगा तो ये चमक उठेगा। मजा आ गया, कैसे चमक रहा है देख रहे हो। ये ग्रीन वाले में पानी ज्यादा दूर तक जाता है लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं साफ कर रहा है, लेकिन रेड वाला जो है ना ये तो भाई एकदम तहलका मचा रहा है। देख रहे हो ना मतलब कैसे साफ कर रहा हूँ, तो अपना कार लेके मेरे पास ही आना, किसी और के पास मत जाना, मैं डिस्काउंट दूंगा अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर्स होगी तो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ऐसे ही साफ करूंगा, इतनी गहराई से साफ करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। चलो बाइक को चमका देते हैं और उसके बाद हमको पैसे मिलेगा। अरे भाई साहब अगर हम अच्छे काम मिलेंगे तो हमको ट्रीट भी मिलेगा। देखो अभी तक हमने $206 इनकम कर लिया है। सारे जगह ऐसे गहराई से साफ करूंगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। देखो भाई तुम लोग मेरी काम को देख लो, मैं ऐसे ही काम कर
करता हूँ, एकदम दिल लगा के काम करता हूँ जो भी काम करता हूँ, तो तुम अपने कार लेके मेरे पास आ सकते हो। अच्छा नीचे इस तरफ मिट्टी है, ये देखो यहाँ पर मिट्टी है, इसको अच्छे से साफ नहीं करूंगा तो तुमको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। साफ करो भाई साफ करो, लड़ाई झगड़ा माफ करो और पैर को साफ करो। मैं कितना ज्यादा पकाता हूँ तुम लोग को मुझे पता है। देखो गाइस अब ये देख के लग रहा है ना कि ये नया है भाई, पहले जब ये आया था तब देख के लग रहा है भाई पता नहीं क्या है, अभी देखो ये अभी देखो देख के लग रहा है ना एकदम नया नया भाई, कहाँ लग रहा है ना कि अब भी किसी ने खरीद के लाया ये, ऐसा ही लग रहा है मुझे पता है यार तुम लोगों को लग रहा है। तो लग रहा है फटाफट लग कर क्रेजी मैन, मेरे को कोई बताएगा इस कार पे और मिट्टी कहाँ पर है? ये बोल रहे अभी तक 92% साफ हुआ ये कार भाई, लिटरली कोई मुझे बताएगा गाइस कहाँ पर मिट्टी है? वो देखो भाई इतनी गहराई कैसे तो कोई भी साफ नहीं करता। हाँ भाई मुझे कोई बताएगा इतनी गहराई से मैं कैसे साफ कर सकता हूँ? अच्छा ये देखो इधर मिट्टी है, थोड़ा सा मिट्टी है। अच्छा सब हो गया भाई साहब, $219 इनकम कर लिया हम लोगों ने। ये गाइस ये दे ताली मारो ताली। सीरियसली गाइस मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता, मैं एक सबसे बड़ा बेकार आदमी हूँ दुनिया का, मैं तो बैठ भी सकता हूँ ना, बैठ के देखते हैं ना नीचे गंदगी, वो देखो कितना ज्यादा गंदगी नीचे, लिटरली कितना ज्यादा बेकार आदमी हूँ मैं, दुनिया का सबसे बड़ा बेकार आदमी हूँ। अभी सो के देखते कहाँ पर गंदगी है, नीचे कहीं पर गंदगी है? अच्छा यहाँ पर कहीं पर। ओ भाई साहब कैसे होगा साहब, जब नीचे रहेगा इतना सारा गंदगी है, बाइक है मैं क्यों भूल जाता हूँ? अभी देखो 2 मिनट में हो जाएगा। चलो 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 हो गया जॉब कंप्लीट। यस 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 आई एम द प्रो मैन इन द वर्ल्ड, हमने एक बाइक साफ कर लिया है और अर्न कर लिया $274। यस 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 यस। हाँ तो ये जॉब भी हम आज से कंटिन्यू करेंगे, और तुम लोग बताओ कि तुम लोग को ये वाला वीडियो कैसी लगी, हमने एक बाइक साफ कर लिया। यस लिटरली यस 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 यस। हाँ हमने जिंदगी में कोई काम किया है, लिटरली मैंने जिंदगी में पहली बार कोई काम किया है, आंखों में आंसू आ गया, मेहनत वाला काम किया। हाँ तो तुम लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तुम लोग बताओ ऐसी वीडियो तुम लोग को आगे चाहिए या पर नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही मजेदार वीडियो था, मुझे बताएं। और जितने भी लोग मेरे को प्यारे मेरे भाई और मेरे बहन हो, तुम लोग जितने भी को बोल रहे थे फ्री फायर खेलो जीटे खेलो क्या बोल रहा हूँ, फ्री फायर खेलो पबजी खेलो, अनदर्स गेम प्ले खेलो, रोब्लॉक्स खेलो, सारे बोल रहे थे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसमें हम हर रोज वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। मैं मुझे बताएं मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, पर मैं आज से बोलता हूँ मैं डालूंगा उस वीडियो, फ्री फायर भी डालूंगा, BGMI डालूंगा, रोब्लॉक्स भी खेलूंगा, माइनक्राफ्ट भी खेलूंगा, सारे ऑल टू ऑल गेम वहां पर खेलेंगे, और कुछ दिन बाद से हम फेस कैम भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, ये दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।